तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल आपके अपने और मेरे चैनल स्पिरिट टॉक्स में। मैं हूं आपका होस्ट साहिल और आज के वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले थे। मैं कहीं टाइम से सोच रहा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। फाइनली आज जब हमने वो बाइक राइड कर ली उसके बाद हमें पता चल चुका है कि क्या प्रॉब्लम है उस बाइक में और क्या उस बाइक के प्लस पॉइंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होंडा शाइन 125 BS 6 वेरिएंट का, जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है और आपके नजदीकी शोरूम पे मिल भी जाएगी। तो आज हम बात करने वाले 3 पॉजिटिव्स एंड 3 नेगेटिव्स अबाउट होंडा शाइन 125 BS 6। तो अगर आपने ये बाइक परचेस कर ली है या तो फिर अगर आप इस बाइक को परचेस करना चाहते हैं तो आपके लिए इस बाइक के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स जानना जरूरी हो जाता है, इसे लेने के बाद भी और इसे लेने के पहले भी। तो बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव, क्योंकि शुरुआत हमेशा अच्छे से हो तो ज्यादा बेटर होता है। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है शाइन 125 BS 6 का, वो आ जाता है उसका इंजन। जी हाँ, आप सभी को पता है कि शाइन अपने सेगमेंट की, यानी कि अपने सेगमेंट और अपने कंपटीशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाती है उसकी कॉम्पिटिटर सुपर स्प्लेंडर SP125 और जो ग्लैमर है वो। तो यहाँ पे अगर हम इन चारों ही बाइक्स में देखने जाएंगे तो शाइन का इंजन है वो आपको 11 Nm का टॉर्क निकाल के देता है, जो कि अपने सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन है। यहाँ पे मैंने पल्सर को इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वो कहीं कहीं स्ट्रेस में 1,10,000 को भी क्रॉस आउट कर जाती है, जो स्प्लिट सीट अभी वेरिएंट आया वो, इसीलिए यहाँ पे हमने पल्सर को काउंट नहीं किया। तो शाइन का सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है उसका दमदार और इनिशियल टॉर्क की इंजन, जो कि आपको उन सेगमेंट की जो ग्लैमर SP और सुपर स्प्लेंडर है उससे काफी ज्यादा अच्छी और पावरफुल राइड प्रोवाइड करके देगा। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की, वो आ जाता है इस बाइक की हैंडलिंग एंड राइडिंग क्वालिटी, वो मोर देन सुपीरियर फील करवाती है आपको। किसी भी तरीके की रोड कंडीशंस पे आप इस बाइक को लेके जाइए, ये बाइक आपको हर एक जगह पे हर एक तरीके से बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस निकाल के देती है। और शाइन का BS 4 जो वेरिएंट आता था उसे तो मैंने काफी टाइम तक चलाया था, और जो BS 6 वेरिएंट है उसे भी मैंने मोर देन 5 to 6 डेज चलाया है। उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ शानदार आपको वो राइडिंग प्रोवाइड कर देती है। मैं खराब रास्तों पे भी लेके गया था उस बाइक को और हाईवे जैसे कंटिन्यूअसली रास्तों पे भी चलाया था, वहां पे भी वो आपको बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस निकाल के दे देती है। और जो पॉइंट नंबर 3 आ जाता है पॉजिटिव, वो आ जाता है इस बाइक की माइलेज। जी हाँ, BS 4 वाले वेरिएंट में मुझे इस बाइक की जो माइलेज थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा कम लगती थी, लेकिन जो BS 6 वाला वेरिएंट है ना भाई, सब 6 दिन चलाया है, कसम से उस बाइक की माइलेज कसम से 55 के नीचे नहीं गई। यानी कि अब इस बाइक में जो माइलेज है वो कंपनी से ही सेट होके आती है, और साथ ही साथ अगर आप इसे और भी ज्यादा टेक केयर करके या फिर ध्यान से चलाओगे तो ये अबोव आपको 55 टू 60 माइलेज आसानी से निकाल के देने वाली है। वो डिपेंड करता है आपकी राइडिंग क्वालिटी पे। यानी कि ये बाइक के अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स देखने जाए तो एक पावरफुल इंजन आपको मिल जाता है, शानदार एंड सुपीरियर राइड क्वालिटी, और वो भी साथ साथ माइलेज, जो कि हर एक इंडियन की सबसे पहली प्रेफरेंस रहती है। तो ये तो हो गए 3 वो पॉजिटिव जो कि इस बाइक को अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा बना देते हैं। तो अब देखिए भाई, ये कॉमन चीज है कि जो चीज पॉजिटिविटी के साथ आती है वहां पे आपको थोड़े नेगेटिव्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम बात करें शाइन के कुछ नेगेटिव्स के बारे में, तो आप सभी को पता है कि पहले प्रॉब्लम शाइन में आती थी BS 4 वाले वेरिएंट में कि आप 1 या 1.5 या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 साल चलाओगे तो शाइन का जो चेन स्पोकर आता था वहां से आवाज आने लग जाती थी। तो अब एक बात मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं पता पर्सनली वो मेरे फ्रेंड के पास है उसी बाइक में हुआ या फिर दूसरी भी बाइक में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जी हाँ, ये एक प्रॉब्लम अभी भी टू बी कंटिन्यूड है शाइन के BS 6 वाले वेरिएंट में भी। आफ्टर मैं आपको बताऊं कि मेरे फ्रेंड ने जो शाइन परचेस की है उसे अभी तक शायद 4 या 4.5 महीने हुए हैं लॉकडाउन के एग्जिट, थोड़े टाइम पहले उसने शाइन का जो BS 6 वेरिएंट था उसे परचेस किया था। यानी कि अब ये प्रॉब्लम पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जो कि आपको जो नया वेरिएंट है वहीं पे भी ये प्रॉब्लम
स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाती है। अब वो मैंने कंपनी में, वो हम दोनों साथ में गए थे, हमने कंपनी में दिखाया, बाद में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हो गई, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम पहले 2 साल में आती थी और अब 6 मंथ्स में आ रही है तो वो एक दिक्कत की बात है। लेकिन वो मुझे नहीं पता कि हर एक वेरिएंट में होती है या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपके पास अगर शाइन है तो वहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर नहीं। और अगर हम बात करें नेगेटिव पॉइंट नंबर 2 के बारे में, तो वो आप एक बार देख लीजिए कि शाइन में कहीं पे भी आपको कोई भी एलईडी लाइट अलाइनमेंट देखने को नहीं मिल जाता, क्योंकि आप सभी को पता है शाइन क्या, मैं तो यहाँ पे इवन सुपर स्प्लेंडर को भी इसी कैटेगरी में डालता हूं कि जहां पे 125 सीसी की बाइक है, कोई कस्टमर अपनी बाइक पे 90,000 से ज्यादा खर्च कर रहा है तो ऑब्वियस है कि वहां पे आपको उन्हें एक तो एलईडी लाइट प्रोवाइड कर देनी चाहिए थी, या तो फिर आप डे एंड नाइट रनिंग प्रोवाइड कर देते, या तो फिर जो हेडलैम्प है उसे ही व्हाइट कलर एलईडी प्रोवाइड कर देते। लेकिन वो यहाँ पे ना तो आपको शाइन में देखने को मिलता है और ना ही आपको देखने को मिलता है सुपर स्प्लेंडर में। यहाँ पे मैंने इसको भी इसी साथ काउंट कर लिया है। और जो पॉइंट नंबर 3 नेगेटिव आ जाता है ना, वो आ जाता है इस बाइक का शाइन का इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर, जो कि ज्यादा लोगों के लिए मैटर नहीं करता, लेकिन कहीं सारे ऐसे ऑडियंस, लेकिन कहीं सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये चीज भी मैटर करती है। तो आप देख लीजिए SP125 हो गई और जो ग्लैमर 125 है, पल्सर ले लीजिए, इवन सुपर स्प्लेंडर और शाइन, अगर आप इन दोनों ही बाइक को छोड़ दे तो बाकी सारी 125 सीसी, इवन जो होंडा की 110 सीसी लीवो आती है, हीरो की पैशन प्रो है, वो जो 110 सीसी सेगमेंट की बाइक है, वहां पे भी आपको एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर देखने को मिल जाता है, यानी कि एनालॉग प्लस डिजिटल, जो कि यहाँ पे होंडा अपनी शाइन में अपडेट करना शायद से मिस आउट कर चुकी है, या तो फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे नहीं दिया गया। लेकिन अगर वहां पे आपको एक सेमी डिजिटल या फिर एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर प्रोवाइड कर दिया जाता तो वो इस बाइक को और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बना देता और साथ ही साथ और ज्यादा सुपीरियर भी बना देता। तो ये तो हो गए पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो अब मैं आपको बताऊं, एक चेंज जो शाइन में बहुत बड़ा चेंज हुआ है वो हुआ है इसके रियर टेल लैंप में। ये मैं ऐसे ही ऊपर से आपको बता रहा हूं, मुझे लगा कि आपके साथ ये बात करनी चाहिए तो कर रहा हूं। तो आप देख लेना जो BS6 वाली शाइन आई है ना, वहां पे जो उसका रियर टेल लैंप है उसका डिजाइन कंपनी ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया यार। वो तो इस कंपनी की जो पहचान थी वो था कि आप रियर से देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये 101% शाइन है, लेकिन अब अगर नए वाले वेरिएंट को देखते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सी बाइक है। अब वहां पे क्यों कंपनी ने चेंज किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादा कुछ चेंज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो उसका रियर टेल लैंप था वो पहले भी काफी ज्यादा शानदार लगता था, इवन जो नया वाला है उससे तो अच्छा ही लगता था। लेकिन वो आपकी चॉइस है कि आपको पसंद आता है या नहीं पसंद आता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो हमारे 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव पॉइंट्स की वीडियो थी अबाउट होंडा शाइन। वैसे मैं बहुत सारे ऐसी बाइक्स है, जैसे कि पैशन प्रो हो गई और जो ग्लैमर के ऊपर से तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, और हम स्पोर्ट बाइक सेगमेंट में भी जाएंगे धीरे धीरे, जहां पे अपाचे, पल्सर और बाकी सारे बाइक्स के मैं आपको 3-3 पॉजिटिव्स और 3-3 नेगेटिव्स पॉइंट बताने वाला हूं। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, 2 सेकंड लगता है, नीचे ही बटन है लाल कलर का, सिर्फ उसको प्रेस ही करना है और कोई मेहनत आपको नहीं करनी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले अगर वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू फैंस फॉर वॉचिंग दिस।